आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों आइए कुछ कानून की बातें समझते हैं। जब कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो संबंधित थाने में सूचना देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दो रजिस्टर होते हैं, जब मामला गंभीर प्रकृति का होता है, संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे हत्या या डकैती वगैरह, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत उसे एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को एफआईआर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है और उसकी विवेचना की जाती है। अगर मामला गंभीर प्रकृति का दिखता है तो बिना वारंट के उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एफआईआर की एक प्रतिलिपि उस सूचना देने वाले व्यक्ति को दे दी जाती है और गंभीरता को देखते हुए बिना वारंट के भी उस अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। दोस्तों आइए अब समझते हैं एनसीआर क्या होता है। ऐसा अपराध जो कम गंभीर प्रकृति वाला अपराध है, जैसे छोटी मोटी चोरी, मोबाइल का गुम हो जाना, ऐसा अपराध जो कम गंभीर प्रकृति वाला अपराध है उसे सीआरपीसी के सेक्शन 155 के तहत एनसीआर रजिस्टर में, जिसे नॉन कंग्लिजेबल रिपोर्ट कहा जाता है, एनसीआर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है और उसकी एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को दे दी जाती है और उस रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। इस अपराध के तहत बिना वारंट के पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।